स्वर्ग नगरी के गर्म तापमान को ठंडा करने का फॉर्मूला सिर्फ इस इंसान के पास है, पोद्रू चाचा। पोद्रू के खानदान में जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो उसके ऊपर के चार दांत नहीं होते हैं। जब तक बापू मरते नहीं, लड़का बिना दांत के ही जीता है। बापू के मरते ही उनके सोने का दांत लेकर लड़का शान से गांव में घूमता है। इसलिए पोद्रू ने शादी नहीं की। लड़का होगा तो उसके भी ऊपर का दांत नहीं होगा ना, तो ना शादी ना बच्चा। ये सिलसिला यहीं खत्म। पोद्रू की कुल्फी, मीठी कुल्फी। अरे रुकिए, सुनिए जी। अरे रुकिए, सुनाइए पड़ोसन जी। क्या सोचा है आपने? सोच लिया, आज तो सारी की सारी कुल्फी बेचकर ही रहूंगा। हट, वो नहीं। हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे मरने के बाद भी ना करूं। हाँ, वैसे भी शादी के बाद पति मर जाता है। अच्छा, आपसे कितनी मर्तबा कहा मैंने, मुझसे शादी करोगे तो बहुत सारे गहने लेकर आऊंगी, और फिर बच्चा हो गया तो चार चार सोने के दांत बनवा लेना। सोच लो, मुझसे शादी करोगे तो सोना ही सोना होगा, चांदी ही चांदी होगी। सही कहते थे बापू। अरे दुनिया में दो चीजों से बच के रहना, दौलत और ये औरत। रामलीला के बाद गांव वाले आज प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाने वाले हैं। पता है कौन सी फिल्म है? कौन सी? पड़ोसन। क्या तेरी? देखना मत भूलियो। कभी ना देखूंगा पड़ोसन। सावित्री तो पोद्रू से शादी करके ही रहेगी, लेकिन पोद्रू को तो अपने सोने के दांत की फिक्र है। इन लोगों को भी नहीं पता उस आने वाले तूफान के बारे में। पड़ोसन कुल्फी। ये है गांव के आम के बागीचे के मालिक चरण लाठी। इनकी ये आधी बंधी हुई पगड़ी के पीछे भी एक राज है। बचपन में ये अपने दादाजी से टोपा बंधवाने की जिद ले बैठे। दादाजी की किस्मत का बैड लक बहुत खराब था। दादाजी की पतलून लंबी थी और नजदीक में चूल्हा हो गया। आग कब लगी पता ही नहीं चला। चरण लाठी ने कुछ नहीं बोला और दादाजी हमेशा के लिए कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे। मर गए जल जल के। बड़े दादाजी, मुझे ये बांधना सिखाओ ना। जहाँ तक दादाजी बांधते बांधते रुके थे, वहीं तक जैसे बड़े दादाजी ने टोपा बांधा, पेड़ की एक बड़ी डाली टूटी और बड़े दादाजी की खोपड़ी फूटी। लगता है चरण लाठी के इस ताज में साक्षात यमराज हैं। हाँ, तो दादाजी और बड़े दादाजी के बाद वैसे ही चरण लाठी के पिताजी और चाचा दुनिया से 12 चाचा हो गए, और इनका श्रेय भी पूरा चरण लाठी के उस टोपे को जाता है। स्वर्ग नगरी का मानना है कि चरण लाठी मौत को अपने सर पे लेके घूमता है, इसलिए तो आज तक किसी ने भी चरण लाठी को टोपा बंधवाना नहीं सिखाया। बस आधा टोपा सर पे और आधा एक थैली में लेकर ऐसे निकलता है जैसे उसके शरीर का एक जरूरी हिस्सा हो। लाइफ पार्टनर। अरे लाइफ पार्टनर से याद आया, चरण लाठी की वाइफ। ये है चरण लाठी की पत्नी, लवफुल वेडेड वाइफ। देखने में सुंदर है। इनकी बस एक ही इच्छा है, बच्चे की। लेकिन इनके पति देव चरण लाठी मानते ही नहीं। आइए इन दोनों के ओपन डिबेट के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। योके है? आलू थोड़े कच्चे लागे हैं। बच्चे? अरे रे रे, बच्चे नहीं कच्चे। तेरी तो हर बात ना बच्चे पे ही आके रुके है। और क्या करूं, माँ बनने की इच्छा रखती हूँ, कुछ गलत है क्या? लेकिन छोरा हुआ तो अच्छा है, वारिस मिल जाएगा, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। अरे वारिस गया मटके में, खानदान गया हांडी में। बड़ा होकर पगड़ी पहनने की जिद करेगा तो मैं कैसे सिखाऊंगा उसे? गांव वाले तो हमें सिखाने से रहे, 10 बात की 1 बात।
बच्चा नहीं चाहिए हमें। छोरी भी तो हो सके है। हो सके है, पत्थर की लकीर कोई नहीं, दस की नहीं, सौ बात की एक बात, बच्चा नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस कैरेक्टर की हर अदा में देवानंद की बात है। नाम है सेवानंद। वैसे ही गिरना, वैसे ही संभलना, वैसी ही टोपी, वैसे ही कपड़े और वैसे ही गले में रुमाल। लेकिन हमारे ये ज्वेल थीव साहब स्टाइल के लिए रुमाल नहीं पहनते, इनका फंडा कुछ अलग है। लगता है अब ये सारे के सारे कैसेट गांव के वैद्य को बेचना पड़ेगा। ये सारे कैसेट्स उनके मरीजों को बेहोश करवाने में काम आएंगे। कैसेट्स बदलते हैं फंगस वाली, खुद बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए रुमाल से अपना मुंह ढांकते रहते हैं। अरे ये कहाँ चल दिए। ओहो समझ गया, चक्कर, रोमांस का चक्कर। After all, love is in the air. ये तो फिर से आ गया। नई फिल्म है, ले लीजिए ना। तेरे सड़े पुराने कैसेट में नई और ताजा फिल्म, चल जा। डिस्काउंट स्कीम है, पांच ले लीजिए। तेरी पांच पांच बदबूदार कैसेट को आम के झाड़ पर लटकाऊं क्या? मारे पास वो हाँ वीसीआर नहीं है, कैसेट लेके क्या करूं, किस में डालूं? हाँ कैसेट पे कैसेट खरीदते रहेंगे तो देखने की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि आप वीसीआर लेकर ही रहेंगे। ले लीजिए ना। नहीं है दूसरी दुल्हन परिणीता, ले लीजिए ना। चल रहे चल, तू क्या एक तो ये है वो चक्कर, रोमांस का चक्कर। ये है चरण लाठी के आम के बागीचे और ये है चरण लाठी के दुश्मन बच्चे। अगर ये छोटू है तो बड़ा कौन है? और ये छोटू अकेला नहीं, इनका एक पूरा गैंग है। ये मुन्नी है, ना बंदर नहीं मुन्नी है। इसके सर पे बाल कम क्यों ज्यादा है? ये पल्लू है, इसे बड़ा गर्व है, इसने एक अंग्रेजी शब्द जो सीख लिया है फिनिस। ये जयंती लाल, हाँ हाँ चौंकिए मत, इसका नाम जयंती लाल है। ऊट पटांग सोचने में पीएचडी की डिग्री है इसके पास। लिखा तो है मैं किसी से डरता नहीं, सब इंस्पेक्टर नकवी अख्तर। ये जनाब किसी से नहीं डरते, पूरी स्वर्ग नगरी इससे डरती है। लेकिन ताकत की भी कमजोरी होती है, ये कुछ लोगों से डरते हैं, इस गांव के कुछ बच्चों से। हाँ हाँ ठीक सुना आपने, बच्चों से। क्या क्या कहा, क्यों डरते हैं? चलो इसका भी जवाब दे देते हैं। 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे पहले पानी क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? चलो निकलो बाहर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम लग रही है। बंद करो ये नहाना, नहीं तो सबको उठाकर थाने में बंद कर दूंगा। देखते नहीं पानी गंदा हो रहा है। गन मास्टर चल हो जा शुरू। ए ए बदमाश क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? फेंको फेंको नीचे। बिना चोटी के पहाड़, बिना टायर के ट्यूब, बिना कन्याकुमारी का भारत बना दिया बच्चों ने। लेकिन तब से इनकी बुलंद आवाज नाक के पाइप से आने लगी है।
अब तो रोज शेर के गले से चूहे की फुसकी निकलती है। ये स्वर्ग नगरी की पाठशाला है। आज बच्चे फॉर अ चेंज बिना किताबों के आए हैं। कल से रामलीला की छुट्टियां जो होने वाली हैं। सारे विद्यार्थी आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आश्चर्यचकित नहीं हूँ मैं। छुट्टियां जो प्रारंभ होने वाली हैं, ये आज का दिन भी मैंने पंचायत से बात करके तुम लोगों को बुलवाया है एक विशेष धमकी देने के लिए, समझे? होमवर्क तो तुम लोग करोगे नहीं, 10 बार बोलूं या 100 बार बोलूं, लेकिन इन छुट्टियों में किसी ने भी कोई भी बदमाशी की तो मुर्गा बना के कड़कती धूप में पूरा दिन उल्टा दौड़ाऊंगा, समझे? और तुम लोग याद रखो, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मास्टर जी, हिल गया पत्ता। चुप नालायक निकम्मे, हिंदी भाषा के स्वर अक्षर बोल। 12 स्वर अक्षर बोल। 12 स्वर अक्षर। लेकिन आप ही ने तो बोला 12 स्वर अक्षर। गधे गधे गधे, 12 स्वर अक्षर मालूम है? आ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ अंग आ, ये बोल। अरे आपने बोल दिया तो मेरे बोलने की क्या जरूरत है? दीमक दीमक हो तुम लोग, मेरा दिमाग चाट जाओगे। अब बोलो, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। बोलो, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, हम नहीं करूंगा। मुन्नी जयंती आज फिर नहीं आया, एक काम करो तुम मैदान पहुंचो और हम दोनों जयंती को बुला कर लाते, ठीक है? अबे जल्दी कूटना। ए, कूट तो रहा हूँ ना, एक तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, उल्टी का काम कराता है। रामलीला के लिए नहीं भेजा ना तो मैं भी देखता हूँ। अरे जयंती चल रामलीला के मैदान पर, सब तैयारी हो गई है, मुन्नी भी वहाँ पर अपना इंतजार कर रही है। चल ठीक है आ रहा हूँ, जल्दी आना। चलो मैं आ रहा हूँ। चल। अरे वो देख मुन्नी बैठी है। हाँ यार। चल चल। अरे मुन्नी क्यों रो रही है? वो क्या है, किसी ने कुछ बोला क्या? पहले मुझे तो बोलने दो। बेचारी मुन्नी इतना रो चुकी है कि उसकी रोने की आवाज भी बदल गई है। बोलना क्या हुआ? अब तो आप लोगों की घंटी बज ही चुकी होगी। इतने टाइम से मैं इसी आने वाले तूफान के बारे में ही तो बात कर रहा था। अब देखते हैं ये स्वर्ग नगरी का मेहमान यानी अपना तूफान इन बच्चों के लिए मुश्किलों के क्या क्या सामान लाया है। वाह कितना सुंदर है, ये तो मेरे से भी छोटा है। हाँ लेकिन ये स्वर्ग नगरी में कैसे आया? अरे, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। यहाँ कुत्ते का ना बना है। अरे जाने दो ना, बहुत प्यारा है। कितना सुंदर है, देखो इसके पैर में उसको चोट लगी, कितना दर्द होता होगा ना, इसलिए तो रो रही है। हाँ हम इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमारे पास एक कुत्ता है तो क्या फिनिश? हाँ और भूल गए क्या, मास्टर जी ने क्या बोला था कि अगर हम बदमाशी करेंगे तो वो हमें मुर्गा बना के उल्टा दौड़ाएंगे। उससे अच्छा चलो चलो इसको इधर ही छोड़ के चलो। चल कुछ करते हैं, तू रो मत यार। मुन्नी तुझे पसंद है? तो रख लेते हैं। ए तू क्या सोच रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी और मेरी शक्ल मिलती जुलती है? अब मजाक छोड़, ठीक है हम रख लेते हैं मुन्नी सिर्फ तेरे लिए। हम गांव से और मास्टर जी से लेंगे पंगा। ओह वाव ये! अब इसका नाम क्या रखे? छोटू से छोटा तो कोई नाम ही नहीं होता। तूफान, सही कहा, स्वर्ग नगरी में इसे रखना और इसकी देखभाल करना किसी तूफान से कम है क्या? तूफान, इसका जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा। जयंतीलाल का बापू वैद्य है ना? ठीक है मैं बापू से बात कर लूंगा। तूफान को यहीं कहीं छुपा देते और तेरे बापू के पास चलते। चलो चलो चलो। लेकिन क्यों इस गांव में कुत्तों को लेकर रेड सिग्नल क्यों? आखिर पंचायत ने ये नियम यहाँ पे क्यों लागू किया?
लगता है इसकी वजह जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये लीजिए, भाई ऊपर करो ऐसे। भगवान के नाम पे मेरी कर्म भूमि मुंबई है, लेकिन मेरी जन्म भूमि स्वर्ग नगरी है। भगवान के नाम पे मेरी कामयाबी का सारा श्रेय इस गांव को जाता है, स्वर्ग नगरी को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और इसीलिए क्या कर रहा है ये? भगवान के नाम पे सीधे खड़े रहो। स्वर्ग नगरी की उन्नति और प्रगति के लिए अपनी तरफ से अस्पताल, पाठशालाएं और सिनेमा घर बनवाऊंगा भगवान के नाम पे। अरे बार बार भगवान के नाम पे काहे बोल रहा है भाई? अरे पहले भिखारी था ना, आदत छूटी नहीं। भगवान के नाम पर चार आना आठ आना जो बने दे दो बाबा, भगवान के नाम पर दे दो चार आना आठ आना भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पे। और जब तक हम जिंदा है, स्वर्ग नगरी वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कुत्तों की जिंदगी नहीं जीना है। भगवान के नाम पे आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मर गया या जिंदा है भाई? अरे ये तो मर गए। ये लीजिए सर। राम 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 राम, मरे हुए आदमी पर इतर छिड़कते हो? मुझे अपना ड्यूटी करने दो, समझे तुम? सर दुख रहा है मेरा, आपके पास सर दर्द की दवाई मिल जाएगी क्या? 3 दिन से बहुत दर्द है। नहीं बहना, नहीं मिल पाएगी। क्यों? ये बहुत कंजूस है, मेरे से भी पैसे लेते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। बापू, अरे बापू। ऐसे पूछे? कुछ नहीं कुछ नहीं। ए गधेड़ा सूचे, हमें एक कुत्ता मिला है, उसके टांग में चोट लगी है, आप वे दो, उसे ठीक कर दो। स्वर्ग नगरी माँ कुत्रो के बात ने? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, पहले बोलो इलाज करते हो? अरे कुत्रो है किधर? बस इधर किधर। हाँ? इलाज करो ना। इलाज नो पैसो? पैसा? मगर आप तो मेरे बापू। इधर आ, इधर आ। बापू है ना, इसलिए पैसा जोइच माने। तारा पुस्तक वास्ते, तारा कपड़ा वास्ते, तारा स्कूल वास्ते। अरे अगर पैसा है ना तो लोग पूछेंगे कैसा है, समझियो? मैं कोई चरण लाठी नहीं हूँ कि आम के पेड़ से पैसा निकालूं और ये। ठीक है ठीक है ठीक है, पैसा मिल जाएगा। पिल्ले पैसो फिर इलाज। ये बाप है कि सांप है? सांप है। ए, शुक है हो? हाँ? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कितना चाहिए? 1000 रुपयो। 1000? 1000 ठीक है, मिल जाएंगे। 1000 रुपया क्या होता है तेरे को पता है? पता है। 1000 रुपया? 1000? मुझे तो 1 और 2 के आगे क्या आता है वो भी नहीं मालूम, तू ही बता भाई। ए गधे, 1000 यानी 1000। ए मुन्नी क्या है? लिख, लिखना। 1000। लगता है इसके बालों में 1000 जुए। चुप बैठो, समझे?
मास्टर जी ने परसों हमें क्या सिखाया था? अरे मुझे कल क्या सिखाया था वो याद नहीं, तू परसों की पूछ रहा है? क्या सिखाया था? एक मिनट। हाँ, शून्य की कोई कीमत नहीं होती। ए मुन्नी, चल पहला शून्य काट। काट दिया। चल अब दूसरा काट। ये काट दिया। और अब तीसरा भी काट। ये भी काट दिया। अब क्या बचा? एक। तो हमें मेरे बापूजी को एक रुपया देना है। ठीक है। पर हमारे पास तो एक रुपया भी नहीं है। तो एक रुपया लाएंगे कहाँ से? मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पैसे ही पैसे। चलो चलो। भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो, भगवान के नाम पे मंदिर के लिए चंदा दो, भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो। ये लो बाबा। भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो। आ भगवान के नाम पे अंधे को। ये धनराज है, स्वर्ग नगरी का वन एंड ओनली भिखारी। धनराज के राज में धन नहीं है, लेकिन चिल्लर ही चिल्लर है। धनराज का इंडियन आइडल दया सागर है, जो अस्पताल में अभी भी सुबह शाम भूखा रह रहा है। After all, दया सागर भी तो उद्योगपति से पहले यहाँ का भिखारी ही था। ए भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो, 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 भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दो। अंधा समझाए क्या? अरे पैसे कटोरी में रख दे। तेरे को दिखता है क्या? दिखता है। और सबको उल्लू बनाते हो? हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। करो, पंचायत से करो, गांव से करो, मुख्यमंत्री से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भिखारी नहीं, चोर है तू। तो तुम क्या कर रहे हो? वो तो हम ऐसे ही तो समझो मैं भी चोर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। हाँ। गांव के पंडित को बोल देंगे। जाओ जाओ पंडित को बोलो। बिल्कुल ठीक, फिर पंडित तुम्हें श्राप देकर भिखारी बना देगा। वो तो मैं पहले से ही हूँ। जाओ 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 जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो, भगवान के नाम पे अंधे को चंदा दे दो। हरे राम श्री राम श्री राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम हरे हरे, बोल श्री रामचंद्र की जय। राउंडर ब्रदर, कमाल की जगह है ये। हिंदू मुस्लिम सब साथ में, ना जात पात की खिचकिच, ना भेदभाव की खिटपिट। और ये तो भारत का अजूबा है। पंडित है मौलवी या चर्च का फादर, लेकिन ऐसी जगह तो शायद स्वर्ग में ही हो सकती है। लेकिन ये एकता, ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे तो इस फौजी का कोई फ्लैशबैक नहीं पता। भला उस फौजी रणवीर सिंह का, बॉर्डर से आने के बाद उन्होंने स्थान बनाया, ये जगह बनाई। उनका कहना था कि जब बॉर्डर में एक ही छत के नीचे भांत भांत जात के लोग एकत्रित होके इकट्ठा होके साथ में पूजा करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, तो फिर इस गांव में क्यों नहीं? हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम। कितनी बुरी बात है, हम यहाँ पे जात पात पे झगड़ा करते हैं, धर्म पे झगड़ा करते हैं, लेकिन ऐसा बॉर्डर पे तो झगड़ा नहीं होता। एक ही छत के नीचे खाते हैं, पीते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल ईसा मसीह की जय, बोल ईसा मसीह की जय। हरे राम श्री राम श्री राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम श्री राम हरे हरे। मोबाइल फोन आ गया। अरे फौजी रणवीर सिंह, काश हर भारतवासी ऐसा होता। आपके पास मोबाइल फोन? हेलो, हरे राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम हरे हरे, हरे राधा कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधा कृष्णा हरे हरे। पंडित जी, पंडित जी। क्या बच्चों? वो जो धनराज भिखारी है वो अंधा नहीं है? अंधा नहीं है तो नहीं है। लेकिन पंडित जी, वो अंधा होने का नाटक करके लोगों से भीख मांगता है। देखो बच्चों, वो चोरी करता है? नहीं। वो डाका डालता है? नहीं। अपने पेट को पालने के लिए छोटी मोटी चोरी करना इंसान की फितरत है। लेकिन पंडित जी, बच्चों, उसके पिछले कर्मों के अनुसार वो इस जन्म के अंदर भिखारी है,
और उसके पिछले से पिछले कर्मों के अनुसार वो इस जन्म में अंधा नहीं है। सब कर्मों का खेल है बच्चों। नहीं, हम नहीं मानते। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला मुझसे बुलवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग भगवान को नहीं मानते। भगवान को तो मानते, पर आपको? मेरी इज्जत करो नहीं तो पछताओगे। पीछे मंदिर के अंदर देखो, तीन तीन भगवान बैठे हैं। उनको गुस्सा आ गया तो श्राप दे देंगे। अच्छा बच्चों बताओ, तुमको आशीर्वाद चाहिए श्राप? सब कर्मों का खेल है, सब कर्मों का खेल है। ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और ये सब, ये पकड़। मेरा पैसा? खामोश। तेरा पैसा? एक तो पूरे गांव वालों को पता चल गया कि तू अंधा नहीं है, तेरा राज खुल गया है। अब तो अंधा नहीं है, तेरे को कौन पैसा देगा? इसलिए मैंने फैसला किया है कि तेरी मेरी पार्टनरशिप खत्म, कोई पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। फिर भी शराब? नहीं 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 नहीं। पकड़ लिया। क्या हो रहा था? बताओ 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 पता नहीं तुम तत् तमाल तरव वो चाहे मसीह का छो ने कलम गई नाथ मोही का हसी की गोरी लाली मेरे लाल की दीदी खुद लाल लाली देखकर मैगी मैं भी होगी लाल। खामोश। शराब दे दूंगा। बच गया। मैं तो मर गया। आंख वाले को चंदा दे दो। जो हमारी सब परेशानी दूर करेगा। अरे बोल, बोल सही कौन? आजू बाजू किशमिश काजू, दोस्ती का भारी तराजू, राजू राजू राजू, राजू। दिल का हीरा आदमी है, खून का रिश्ता किसी के साथ नहीं, दिल का रिश्ता सबके साथ है। मुन्नी, जयंतीलाल, पल्लू और छोटू की लाइफलाइन है ये राजू। सेठ जी सारा सामान रख दिया। अच्छा राजू, दिन भर मेहनत करते हो, खाते क्या हो? बस मेहनत की रोटी। ये लो एक रुपया। ठीक, और कुछ चाहिए? नहीं, ये रुपया और क्या चाहिए, मैं सही कहा। राजू, हर इंसान अगर तेरे जैसा हो तो कितना अच्छा होगा। अरे सेठ जी आप भी। अरे बच्चों, राजू को कहाँ लेके जा रहे हैं? हमने अरे यार कुत्ते की तरह काहे दौड़ा रहे हो हमें यार। हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। तो तू हमारा दोष नहीं है राजू? तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ स्वर्ग नगरी में कुत्ता रखना गलत है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो मर्जी में आए वो तुम लोग करो, खाली ये परेशान कर रहे हो तुम लोग। लो, मुन्नी में रोने लगी। कुछ भी देख सकता हूँ, मुन्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तूफान पहले दिखा देते तो पहले यहाँ कर देता। अब सुनो, जब तक इलाज ना हो जाए तब तक हम अपने पास रखेंगे, और काम पे निकलूंगा तो तुम लोगों को संभालना पड़ेगा। ठीक राजू, आज तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? ज्यादा लगी है, जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो क्या करें? तेरे बापू के पास चलते हैं। अरे वो तो इलाज के लिए 1000 रुपए मांग रहा है। 1000?
हजार रुपया? तेरे बापू को क्या हो गया? उनका बस चले तो वो मुर्दों से भी पैसे वसूल लें। इलाज के लिए 1000 रुपया मांगा। वैसे तो 1000 रुपए मांगे हैं, लेकिन हम उन्हें 1 रुपया देंगे बस। हाँ। 1000 रुपया कितने होते हैं मालूम? इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने। तो? हाँ, इससे भी ज्यादा। आसमान में जितने तारे हैं उतने। मतलब फिनिश? ऐसे कैसे फिनिश? सब भूल गए तुम लोग है? आजू बाजू किसमिस काजू, दोस्ती का भारी तराजू राजू। लेकिन 1000 रुपए तो कहाँ से लाएगा? लाऊंगा। 1000 रुपए? हाँ सेठ जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ देखिए, बहुत जरूरी काम है, हम आपको लौटा। 1000 रुपए मेरे बापू ने भी नहीं देखे कभी। अब देखिए ना, समझिए सेठ जी, बच्चों लोग। अरे बात करता है, 1000 रुपया? अरे एक पैसा भी नहीं मिलेगा हमको। मारने के तेरा सत्यानाश। तूफान का क्या होगा? अरे जयंती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गोपाल सेठ ने पैसा नहीं दिया तो तुम इतने खुश क्यों हो? अरे दिमाग की बत्ती जो जल गई। मतलब? अरे राजू, ये सोना कीमती चीज होता है। हाँ, आदमी सोएगा तभी तो दूसरे दिन अच्छे से काम कर सकेगा, बोझा उठा सकेगा। अरे वो सोना नहीं बोल रहा है। हाँ? चमकने वाला सोना बोल रहा है। पैसे के लिए तुम लोग अपने घर से बाजी के गहने जेवर चोरी करोगे? अरे तू कटोरे का कुआ मत बना। हुँ? हम लोग चोरी वोरी नहीं करने वाले। हाँ? वो देख, कुल्फी ले लो कुल्फी। हम उसका दांत 1 महीने के लिए उससे सुधार में लेंगे। मतलब? अरे मेरी दादी उनके कान के झुमके वो काका को ऐसे ही दे देती है और पैसे आने पर उनसे वापस ले लेती है। हम भी सोना सुधार में लेंगे। सुधार नहीं, उसे उधार बोलते हैं, उधार। अरे लेकिन पोदरू चाचा अपने से ज्यादा अपने दांतों से प्यार करते हैं, वो हमें अपने सोने के दांत क्यों देंगे, वो भी मुधार में। मुधार नहीं, उधार, उधार। अरे हाँ वही। अरे लेकिन वो अपने दांत बेचेगा तो सही ना? हाँ, हमें कैसे बेचेगा? हम तो धनराज भिखारी से भी ज्यादा गरीब हैं। और हमारे पास खरीदने के लिए पैसे होते तो हमें खरीदने क्या जरूरत? हम उसी पैसे से तूफान का इलाज करवाते। नहीं नहीं नहीं, हम पैसे लाएंगे, मेहनत करके लाएंगे, लेकिन तुम्हारे इस लफड़े में हम नहीं पड़ने वाले। नहीं नहीं बाबा। अरे राजू राजू, टट्टी साफ करो भाई, हम नहीं तुम्हारे। छोटू कहाँ है? कुल्फी ले लो। ए बुद्धू चाचा रुको। क्या है रे, पैसे हैं तो कुल्फी मिलेगी, वरना ठेंगा मिलेगा। अरे मुझे आपका दांत चाहिए। क्या? मेरा दांत चाहिए? अरे हाँ हाँ आपका, वो भी अभी। अबे 1.5 फुट के टट्टू, इन दांतों की वजह से अभी तक मैंने शादी भी नहीं की और तू बोलता है कि मैं इन्हें तुझे दे दू ऐसे ही। अरे ऐसे ही नहीं, गुदार में। आई, ये गुदार क्या रे? ये मुदार नहीं, उधार मांग रहा है। बच्चों को ना नहीं बोलते, दिल नहीं तोड़ते। अच्छा, दे दो ना पोदरू चाचा। सिर्फ 1 महीने की बात है, नहीं तो हम सब फिनिश हो जाएंगे। फिनिश तो तुम लोगों को मैं करूंगा, मैं। अरे जो बात इस छोटे मेंढक ने की, वही बात असली घी का माखन लगा के तुम सब ने की। बात तो एक ही है ना? है? क्यों, इन दांतों से खाता है क्या? अरे मेंढक, खाने को तो मैं खा सकता हूँ, लेकिन ये दांत खाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए है। चल हट, हट जाओ, हट जाओ, कुल्फी ले लो। अरे कुल्फी भी नहीं देता, दांत भी नहीं देता, जाने दो। चोरी करोगे, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, मतलब ही नहीं। अरे राजू, बात ही नहीं करता। हमें राजू की बात मान लेनी चाहिए। क्यों? पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी,
मार पड़ने पर दर्द होता है पल्लू? हाँ, मार पड़ने पर दर्द तो होता है। तो फिर तूफान के दर्द का क्या होगा? तो क्या सोच रहा है छोटू? सोच रहा हूँ कैसे मारूं। एक कुल्फी वाला और सोने की दर्द। मैं भी कुछ सोचती हूँ, कुछ करना पड़ेगा। अरे पल्लू, तुझे याद है तेरे सोनजी मामा तेरे लिए शहर से एक किताब लाए थे? हाँ। और जिसमें चोरी करने की कहानियाँ लिखी थी? हाँ, लेकिन वो किताब अब सोनजी मामा के पास नहीं है। तो कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम लोग? बस एक मिनट चाचा। ये तो, ये देखो, मिल गया। अरे ये तो वही है। हाँ ये है। अरे 3 दिन रह गए हैं दशहरे में, अभी तक ये रावण के सारे मुंह नहीं बन पाए भाई। अरे यार, रावण इतने मुंह का करता क्या था? तू अपने मुंह का क्या करता है भाई? बैठ। सबसे पहले हमें डरावनी शक्ल बनानी चाहिए। क्यों? चोरी करने जा रहे हैं ना, तो चोर जैसी शक्ल चाहिए ना। हाँ, जैसे मैदान में रावण का पुतला वैसे। इधर देखो, ये असली चोर। अब सब ये देखो। बस बस छोटू, नहीं तो मुंह दुख जाएगा। चाकू? हाँ चाकू। चाकू ना होता तो डाकू ना होता, हमें चाकू चाहिए। चाकू? अरे बस अब भी लाया। अरे बाप रे बाप, अल्लाह बचाए से। सलाम साहब। हाँ सलाम सलाम। और कैसे है छोटू? छोटू किसको बोला? तुमको नहीं, चीटी को बोला। चीटी को उल्लू बना दे। कहाँ चीटी? झूठ बोला ना तो मसल डालूंगा चीटी की तरह। सलाम साहब। ए दादा, कहाँ से चोरी करके आ रहा? मुर्गी चोरी करके ला रहा? क्या हो गया? क्या बात कर रहे हैं? मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ। तो? ये मुर्गिया तो मैं अपने पैसे से खरीद कर लाया हूँ नकवी साहब। अच्छा, आप कहें तो मैं दुकानदार से पूछवा सकता हूँ आपको। चल भाग यहाँ से। धन्यवाद साहब, शुक्रिया। ए, देखना मत यहाँ। तो मैं जाऊँ यहाँ से? ठीक है ठीक है, चल निकल। जान बची और लाखों पाए। ये रहा चाकू। ये है चाकू? ये तो चाकू का कू भी नहीं है। कू हो या फू, चाकू है। चाकू बड़ा होना चाहिए यार। अरे बस मुंह खोलने के लिए तो चाहिए। और ये देखो, इससे तो बड़ा है ना जितना इस किताब में बताया। तू अपना दिमाग मत चला। दिमाग मत चला? तूने तो बहुत दिमाग चला है ना जयंती लाल। शून्य की कोई कीमत नहीं होती। ए चोटू, दे दूंगा। हाँ माँ का दूध पिया तो आ जा जयंती लाल। हाँ तो फिर आ जा ना। तो आ जा। तैयारी तो सब हो गई, लेकिन अगर दांत निकालने के वक्त वो उड़ गया तो हम सब लोग फिनिश। तो ये बल्ला है ना, घुमा दूंगा छक्का। लेकिन पोदरू चाचा डर के मारे चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव का घर जगा देंगे। तो अगर सोके उठेंगे तो फिर से चला देंगे। कैसे? मेरे बापू की बेहोश करने वाली दवा से। कैसे? अरे हाथ से। क्या कैसे कैसे कैसे? रुको मैं लेके आता हूँ। पर पक्का दवा काम करेगी ना? अरे हाँ यार, बापू एक ही दवा से सबको बेहोश करते हैं। सुबह सांडू की भैंस को और शाम को पापड़ी चाची को। बेचारी पापड़ी चाची रात भर भैंस की तरह करती रहती है। फिर तो और भी अच्छा है, पोदरू चाचा भी अपना मुँह करके ही खोलेंगे। जा तू लेके आ। कैसे हैं जयंती लाल भैया? चल निकल ले बेटा, पुलिस वाला तो चोरों को जीने नहीं देगा।
बड़े गुस्से में हैं। गुस्से में हूँ तो क्या करेगा, चल रस्ते से हट। जाइए जाइए। चुप, हट। अब आएगा मजा। ए साला, याद का भी ख्याल नहीं है तेरे को, अभी बताता हूँ तेरे को, चला जा। नहीं 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 भाई। दिखा दिखा, पानी है, पानी ही है, पानी है, पानी नहीं है। इन शेरों को चुपचाप सोने दो, जगाने की भूल मत करना नकवी अख्तर, निकल ले यहाँ से अगर खैरियत चाहता है। तो यो बात है, कभी तो मैं सोचूं कि ये आफत की पुड़िया मारे बगीचे में क्यों नहीं दिखे, सारे के सारे घोड़े बेच के सो रहे। ओए उठ, ओए उठ, ओए जो कुछ अपशगुन है, सो रहे तो बदमाशों को। पानी सोते सोते भूत लिया क्या? मेरा सर को चक्कर खा रहा है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? चरण लाठी लंगोटी चोर, मेरी लंगोटी इतनी कीमती चीज है क्या? अब लगता है कि मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। सूरज डूबते ही आज रात फिनिश। क्या फिनिश? सूरज डूबते ही थोड़ी ना पोद्रू चाचा सो जाएंगे, रात को बहुत रात को जाना पड़ेगा। मुझे तो उस वक्त बहुत नींद आएगी। नींद जरूरी है कि तूफान का इलाज? हाँ। दोनों दोनों। क्या तूफान का इलाज? तूफान का इलाज फिर ये क्या कर रहा है तू? तुम लोगों ने तो बोला फिर, इसलिए मैं फिरा। लगता है तेरे बाप ने जो दवा दी थी ना, वो इसे बहुत भारी पड़ी है। अच्छा, लेकिन ये तो बताओ इतनी रात को कैसे जाएंगे और घर वालों को क्या बोलेंगे? एक काम करते हैं, रात को सब अपने अपने घर जाकर अपने माँ और बापूजी को बोलो कि हम रामलीला देखने जा रहे हैं। अरे वाह, रामलीला देखने जा रहे हैं? तो पोद्रू चाचा का दांत कौन मारेगा? अरे ये सब तो ठीक है, इसके लिए पैसे चाहिए।
तुम्हारी इस सड़े हुए कैसेट के धंधे में क्या होगा? पैसे आएंगे कहाँ से? पैसे की फिक्र मत करो जानेमन, मैं हूं ना, सब बंदोबस्त कर दूंगा। ये क्या लेके जा रही है? पोदरू चाचा के लिए केले और खिचड़ी। सही है, दांत निकालने के बाद बेचारे पोदरू चाचा गलत चीजें नहीं खा पाएंगे ना। चलो। अच्छा है, रामलीला के बहाने घर से बाहर तो निकला। एक मिनट रुको, किसी ने मुंह नहीं ढका। कॉमिक बुक में सबने मुंह ढका है, मुंह ढक लो। अरे ऐसे कैसे, कोई कपड़ा ही नहीं है। मैं बताता हूँ। अरे पल्लू, तू भी पागल है रे क्या? अगर मुंह ढकना ही था तो तूने हमें डरावनी शक्ल बनाने के लिए क्यों बोला रे? हाँ, क्यों बोला? वो तो खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए था। अबे ये मनोबल कौन है? अरे तेरी चड्डी में तो सांस लेने की भी जगह है। अरे सांस लेने की जगह नहीं है, ये मेरे बापू का कच्चा है, बहुत पुराना है, इसीलिए फड़ गया है। रुको, चाकू लिया? चाकू तो है ना। उसके पहले क्या करना है? और फिर उस नाक में कुछ सुंघाना है। हाँ। और फिर क्या करना है? उसके अंदर बैग डालना है, फिर मुंह खुल जाएगा, फिर उसमें से दांत निकाल लेंगे और फिर फिनिश। हाँ ठीक है, चल चल। आजा आजा, सब सो रहे हैं। उठाएंगे, आजा अंदर आ जाओ। ऊपर का नहीं, नहीं ऊपर ही आना, नीचे नीचे। ये सो रहे कि खेत में ट्रैक्टर चला रहे? अरे इसका मुंह कैसे बंद पड़ा है, देखना जरा। सो रहे हैं, लेकिन सोने में भी सोने की रखवाली कर रहे हैं। ए छोटू, जल्दी चाकू। हाँ, ये ले। अरे जान लेगा क्या? अरे नहीं रे, सिर्फ मुंह खोल के दांत निकालूंगा। अरे इसको दर्द होगा, चिल्लाएगा। ये तेरे बापू की वो दवा है ना, वो उसको सुंगा जल्दी जल्दी। ठीक है। इतना सुंगाएगा तो ये कभी नहीं उठेगा। हाँ हो गया, बेहोश होगा। देख बेहोश हो कि नहीं। हाँ, हो गया और सुंगाते। अरे ये तो गया काम से। लगता है पोदरू चाचा अपने खुद की पोदरू कुल्फी की तरह जम गए हैं। मुंह खोलता हूँ, तुम बैट अंदर डालो। ये बैट डाल, बैट डाल। अरे बैट डाल ना तू। चल खींचते। अबे मैं खींच रहा हूँ, तुम करना तो खींचो, खींचो। अरे और जोर लगाओ। अरे क्या नहीं, तो फिर हम क्या निकलने वाले? अब तो सूरज सर पर चढ़ गया है, पोदरू चाचा काम पर जाते थे, अब तक उठे क्यों नहीं? जयंतीला ने पोदरू चाचा का खून कर दिया। ए क्या बोलता है, सिर्फ मुंह खोला, उसे थोड़ी ना कोई याद नहीं मरता है। हाँ, तूने चाकू को अटका के बल्ले को अंदर डाल के इतने जोर से खींचा कि दांतों का सारा सोना दांतों के साथ उसके पेट के अंदर चला गया। कुकु कुकु,
ऐसा आवाज भी आ रहा था ना? अगर सोना उसके पेट के अंदर है तो पेट कट गया होगा ना? सोना पेट काटता है? हाँ, जमींदार के कुत्ते की तरह। अरे पोदरू के अंदर कुत्ता नहीं सोना है। हाँ, मैंने भी किताब में पढ़ा है, सोना सब कुछ काट सकता है। हाँ पोदरू चाचा फिनिश। अरे पल्लू ऐसा क्या बोलता है? अगर वो मर गया होता तो उसके घर से उसकी माँ की रोने की आवाज तो आती ना? हाँ बात तो सही है। अरे मुझे टेंशन मत दिला यार, मैं देखता हूँ। रुक, नहीं नहीं छोड़ उसको, टेंशन पे टेंशन। वैसे भी बच्चों का जेल अलग होता है, देखने में तो ये अभी से ही जेल के अंदर लग रहा है। वहाँ खाना वगैरह ठीक ही होगा। तो फिनिश। चुप। मैं जेल। नहीं जाऊंगा। वो देखो। ये तो जिंदा हो गया। अरे ये तो जिंदा है। अरे हाँ। ए छोटू तू क्या कह रहा था? मैं जेल जाऊंगा। क्या मैं जेल जाऊंगा? पर रात को दांत गायब हो जाते हैं। डब्बू वो किधर तो छुपा देता है? कहाँ? वो हमें मालूम करना पड़ेगा। ओ, तो तुम लोग हो वो? आप कौन? तुम लोगों के डर से नकवी यहाँ से भाग गया और ट्रेन के नीचे आकर उसने अपनी जान दे दी, और मैं उसका भाई हूँ। क्या? नकवी भाई? हाँ, और उसकी नौकरी मुझे मिल गई, लेकिन उसने आप लोगों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया कि आप लोग क्या चीज हो। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग भी मुझे कुछ मत करना, हम लोग दोस्ती बना के रहेंगे। ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके। इधर 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 आप लोग जाइए। इधर इधर। क्या नाम है तेरा? हमारा कोई नाम नहीं है। फिर ये गांव वाले हमें चोर कह के बुलाते हैं। तो तू चोरी करता है, अभी क्या चोरी किया पता? नहीं नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ बोलता है? हाँ तो झूठी लगेगा, हमारे नसीब में सच तो होता ही नहीं है, केवल झूठ ही होता है। होता है साहब, जब कोई पैसे वाला झूठ बोलता है तो आपको सच लगता है, तो बताइए क्या करें साहब? कोई सबूत है आपके पास? चोर कहते हैं लोग हमको, क्या यहाँ लिखा हुआ है? क्या यहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? सीने पे चोर लिखा हुआ है हमारे? चोर कहते हैं हमको, आप भी वही हैं। पोदरू चाचा। अरे यमदूत क्या है, पैसे हैं तो कुल्फी मिलेगी। आपसे एक सलाह लेनी थी। अच्छा जल्दी पूछो। अरे पूछोगे भी, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। पोदरू चाचा, मेरी दादी ने मुझे एक सोने के कान के झुमके दिए हैं, लेकिन इतनी महंगी चीज मैं रखूं तो कहाँ रखूं? अरे बेवकूफ, इतनी कीमती चीज तो तिजोरी में रखते हैं। जैसे? जैसे हीरे जवाहरात सोना पैसे वगैरह वगैरह। और सोने की घड़ी भी? हाँ हाँ सोने की घड़ी भी। सोने की अंगूठी भी? सोने की अंगूठी भी। सोने का दांत? अरे हाँ भाई सोने का दांत। नहीं नहीं, पानी से भरे हुए कटोरे में ऐसे डुबा के रखते हैं। हाँ अरे कोई कुल्फी वुल्फी नहीं लेनी हैं? जल्दी बोलो, पैसे पूरे लूंगा मैं। हाँ अब तो सिर्फ पैसे ही पैसे होंगे। पैसे पैसे क्या बोल रहे हैं ये लोग, वक्त की बर्बादी कर दी इन बच्चों ने, बेवकूफ कहीं के। राजू क्या कर रहे हो? नहीं पहले इसको थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैं इसको दवाई लगा रहा था, फिर यहाँ पे लाके इसका मन बहला रहा हूँ। यानी कि तूफान ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन इलाज बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा। इलाज के लिए पैसे तो मिल जाएंगे। कैसे? पर लेकिन पोदरू चाचा का दांत तो लोटे के अंदर है।
चोरी करोगे हैं? चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हम मानते हैं कुछ गलतियां नादानी में हो जाती हैं, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ लेकिन हम तो उन्हें एक महीने में वापस कर देंगे। हाँ, एक महीने तक हम लोग पैसे कमा लेंगे और फिर नमस्कार, मैं इस कहानी का वॉइस ओवर हूं। ये कहानी है एक गांव की, मोहिली गांव। मगर ये गांव स्वर्ग नगरी के नाम से जाना जाता है, पता नहीं क्यों। किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, फिर भी स्वर्ग जाने की इच्छा सब करते हैं, वो भी मौत के बाद ही। चलो फॉर अ चेंज आपको जिंदा ही स्वर्ग नगरी की सैर पर ले चलते हैं। एंड यस, द रिस्क इज एंटायरली योर्स। कहने को तो ये सभी स्वर्ग नगरी के वासी हैं, मतलब स्वर्गवासी। उप्स, ये क्या बोल दिया मैंने। यहाँ की सभी लाइनें, आई मीन सभी वासी व्यस्त हैं, बिजी हैं एज अ बी, अपनी उलझनों में, अपने कार्यों में, उस आने वाले तूफान से बेखबर और अनजान। उप्स, ये क्या गिराया इसने। कोई नहीं, आपको बाद में पता ही चलेगा। स्वर्ग नगरी के गर्म तापमान को ठंडा करने का फॉर्मूला सिर्फ इस इंसान के पास है, पोद्रू चाचा। पोद्रू के खानदान में जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो उसके ऊपर के चार दांत नहीं होते हैं। जब तक बापू मरते नहीं, लड़का बिना दांत के ही जीता है। बापू के मरते ही उनके सोने का दांत लेकर लड़का शान से गांव में घूमता है। इसलिए पोद्रू ने शादी नहीं की। लड़का होगा तो उसके भी ऊपर का दांत नहीं होगा ना, तो ना शादी ना बच्चा, ये सिलसिला यहीं खत्म। पोद्रू की कुल्फी, मीठी कुल्फी। अरे रुकिए, सुनिए जी, अरे रुकिए। सुनाइए पड़ोसन जी। क्या सोचा है आपने। सोच लिया, आज तो सारी की सारी कुल्फी बेचकर ही रहूंगा। हट, वो नहीं। हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है आपने। अरे मरने के बाद भी ना करूं। हाँ, वैसे भी शादी के बाद पति मर जाता है। अच्छा, आपसे कितनी मर्तबा कहा मैंने, मुझसे शादी करोगे तो बहुत सारे गहने लेकर आऊंगी और फिर
और फिर बच्चा हो गया तो चार चार सोने के दांत बनवा लेना। सोच लो, मुझसे शादी करोगे तो सोना ही सोना होगा, चांदी ही चांदी होगी। सही कहते थे बापू। अरे दुनिया में दो चीजों से बच के रहना, दौलत और ये औरत। रामलीला के बाद गांव वाले आज प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाने वाले हैं। पता है कौन सी फिल्म है? कौन सी? पड़ोसन। क्या देखना मत भूलियो। कभी ना देखूंगा पड़ोसन। सावित्री तो पोद्रू से शादी करके ही रहेगी, लेकिन पोद्रू को तो अपने सोने के दांत की फिक्र है। इन लोगों को भी नहीं पता उस आने वाले तूफान के बारे में। पड़ोसन कोई भी। ये है गांव के आम के बागीचे के मालिक चरण लाठी। इनकी ये आधी बंधी हुई पगड़ी के पीछे भी एक राज है। बचपन में ये अपने दादाजी से टोपा बंधवाने की जिद ले बैठे। दादाजी की किस्मत का बैड लक बहुत खराब था। दादाजी की पतलून लंबी थी और नजदीक में चूल्हा हो गया। आग कब लगी पता ही नहीं चला। चरण लाठी ने कुछ नहीं बोला और दादाजी हमेशा के लिए कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे। मर गए जल जल के। बड़े दादाजी मुझे ये बांधना सिखाओ ना। जहाँ तक दादाजी बांधते बांधते रुके थे, वहीं तक जैसे बड़े दादाजी ने टोपा बांधा, पेड़ की एक बड़ी डाली टूटी और बड़े दादाजी की खोपड़ी फूटी। लगता है चरण लाठी के इस ताज में साक्षात यमराज हैं। हाँ, तो दादाजी और बड़े दादाजी के बाद वैसे ही चरण लाठी के पिताजी और चाचा दुनिया से 12 चाचा हो गए और इनका श्रेय भी पूरा चरण लाठी के उस टोपे को जाता है। स्वर्ग नगरी का मानना है कि चरण लाठी मौत को अपने सर पे लेके घूमता है, इसलिए तो आज तक किसी ने भी चरण लाठी को टोपा बंधवाना नहीं सिखाया। बस आधा टोपा सर पे और आधा एक थैली में लेकर ऐसे निकलता है जैसे उसके शरीर का एक जरूरी हिस्सा हो। लाइफ पार्टनर। अरे लाइफ पार्टनर से याद आया, चरण लाठी की वाइफ। ये है चरण लाठी की पत्नी, लवफुल वेडेड वाइफ। देखने में सुंदर है, इनकी बस एक ही इच्छा है, बच्चे की। लेकिन इनके पति देव चरण लाठी मानते ही नहीं। आइए इन दोनों के ओपन डिबेट के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। योके है? आलू थोड़े कच्चे लागे हैं। बच्चे? अरे रे रे, बच्चे नहीं कच्चे। तेरी तो हर बात ना बच्चे पे ही आके रुके है। और क्या करूं, माँ बनने की इच्छा रखती हूँ, कुछ गलत है क्या? लेकिन छोरा हुआ तो अच्छा है, वारिस मिल जाएगा, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। अरे वारिस गया मटके में, खानदान गया हांडी में। बड़ा होकर पगड़ी पहनने की जिद करेगा तो मैं कैसे सिखाऊंगा उसे? गांव वाले तो हमें सिखाने से रहे, 10 बात की 1 बात, बच्चा नहीं चाहिए हमें। छोरी भी तो हो सके है। हो सके है, पत्थर की लकीर कोई नहीं, 10 की नहीं 100 बात की 1 बात, बच्चा नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस कैरेक्टर की हर अदा में देवानंद की बात है। नाम है सेवानंद। वैसे ही गिरना, वैसे ही संभलना, वैसी ही टोपी, वैसे ही कपड़े और वैसे ही गले में रुमाल। लेकिन हमारे ये ज्वेल थीव साहब स्टाइल के लिए रुमाल नहीं पहनते, इनका फंडा कुछ अलग है। लगता है अब ये सारे के सारे कैसेट गांव के वेद को बेचना पड़ेगा। ये सारे कैसेट्स उनके मरीजों को बेहोश करवाने में काम आएंगे। कैसेट्स बदलते हैं फंगस वाली।
खुद बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए रुमाल से अपना मुंह ढांकते रहते हैं। अरे ये कहाँ चल दिए? हो समझ गया, चक्कर, रोमांस का चक्कर। After all, love is in the air. ये तो फिर से आ गया। नई फिल्म है, ले लीजिए ना। तेरे सड़े पुराने कैसेट में नई और ताजा फिल्म, चल जा। डिस्काउंट स्कीम है, 5 ले लीजिए। तेरी 5-5 बदबूदार कैसेट को आम के झाड़ पर लटकाऊं क्या? हमारे पास वो हाँ वीसीआर नहीं है। कैसेट लेके क्या करूं, किस में डालूं? हाँ कैसेट पे कैसेट खरीदते रहेंगे तो देखने की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि आप वीसीआर लेकर ही रहेंगे। ले लीजिए ना, नहीं है दूसरी दुल्हन परिणीता, ले लीजिए ना। चल रहे चल, तू क्या एक तो ये है वो चक्कर, रोमांस का चक्कर। ये है चरण लाठी के आम के बागीचे और ये है चरण लाठी के दुश्मन बच्चे। अगर ये छोटू है तो बड़ा कौन है? और ये छोटू अकेला नहीं, इनका एक पूरा गैंग है। ये मुन्नी है, ना बंदर नहीं मुन्नी है। इसके सर पे बाल कम क्यों ज्यादा है? ये पल्लू है, इसे बड़ा गर्व है, इसने एक अंग्रेजी शब्द जो सीख लिया है पिनिस। ये जयंती लाल, हाँ हाँ चौंकिए मत, इसका नाम जयंती लाल है। ऊट पटांग सोचने में पीएचडी की डिग्री है इसके पास। लिखा तो है मैं किसी से डरता नहीं, सब इंस्पेक्टर नकवी अख्तर। ये जनाब किसी से नहीं डरते, पूरी स्वर्ग नगरी इससे डरती है। लेकिन ताकत की भी कमजोरी होती है, ये कुछ लोगों से डरते हैं, इस गांव के कुछ बच्चों से। हाँ हाँ ठीक सुना आपने, बच्चों से। क्या क्या कहा, क्यों डरते हैं? चलो इसका भी जवाब दे देते हैं। 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे पहले पानी क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? चलो निकलो बाहर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम लग रही है। बंद करो ये नहाना, नहीं तो सबको उठाकर थाने में बंद कर दूंगा। देखते नहीं पानी गंदा हो रहा है। गन मास्टर चल हो जा शुरू। ए ए बदमाश क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? फेंको फेंको नीचे। बिना चोटी के पहाड़, बिना टायर के ट्यूब, बिना कन्याकुमारी का भारत बना दिया बच्चों ने। लेकिन तब से इनकी बुलंद आवाज नाक के पाइप से आने लगी है। अब तो रोज शेर के गले से चूहे की फुसकी निकलती है। ये स्वर्ग नगरी की पाठशाला है, आज बच्चे फॉर अ चेंज बिना किताबों के आए हैं। कल से रामलीला की छुट्टियां जो होने वाली हैं। सारे विद्यार्थी आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आश्चर्यचकित नहीं हूँ मैं, छुट्टियां जो प्रारंभ होने वाली हैं, ये आज का दिन भी मैंने पंचायत से बात करके तुम लोगों को बुलवाया है एक विशेष धमकी देने के लिए, समझे? होमवर्क तो तुम लोग करोगे नहीं, 10 बार बोलूं या 100 बार बोलूं, लेकिन इन छुट्टियों में किसी ने भी कोई भी बदमाशी की तो मुर्गा बना के कड़कती धूप में पूरा दिन उल्टा दौड़ाऊंगा, समझे? और तुम लोग याद रखो, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मास्टर जी हिल गया पत्ता। चुप नालायक निकम्मे, हिंदी भाषा के स्वराक्षर बोल। 12 स्वराक्षर बोल। 12 स्वराक्षर लेकिन आप ही ने तो बोला 12 स्वराक्षर। गधे गधे गधे, 12 स्वराक्षर मालूम है? आ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ अंग आ, ये बोल। अरे आपने बोल दिया तो मेरे बोलने की क्या जरूरत है? दीमक
दीमक हो तुम लोग, मेरा दिमाग चाट जाओगे। अब बोलो मैं बदमाशी नहीं करूंगा, बोलो मैं बदमाशी नहीं करूंगा। नहीं 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 करूंगा। अब जाओ तुम लोग। मुन्नी जयंती आज फिर नहीं आया, एक काम करो तुम मैदान पहुंचो और हम दोनों जयंती को बुला कर लाते, ठीक है? अबे जल्दी कूटना। ए कूट तो रहा हूँ ना, एक तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, उल्टी का काम कराता है। रामलीला के लिए नहीं भेजा ना तो मैं भी देखता हूँ। अरे जयंती चल रामलीला के मैदान पर, सब तैयारी हो गई है, मुन्नी भी वहाँ पर अपना इंतजार कर रही है। चल ठीक है आ रहा हूँ, जल्दी आना। चलो मैं आ रहा हूँ। चल। अरे वो देख मुन्नी बैठी है। हाँ यार चल चल। अरे मुन्नी क्या रो रही है? वो क्या है, किसी ने कुछ बोला क्या? पहले मुझे तो बोलने दो। बेचारी मुन्नी इतना रो चुकी है कि उसकी रोने की आवाज भी बदल गई है। बोलना क्या हुआ? अब तो आप लोगों की घंटी बज ही चुकी होगी, इतने टाइम से मैं इसी आने वाले तूफान के बारे में ही तो बात कर रहा था। अब देखते हैं ये स्वर्ग नगरी का मेहमान यानी अपना तूफान इन बच्चों के लिए मुश्किलों के क्या क्या सामान लाया है। वाह कितना सुंदर है, ये तो मेरे से भी छोटा है। हाँ लेकिन ये स्वर्ग नगरी में कैसे आया? क्या मस्त है ना रे? अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। यहाँ कुत्ते का ना बना है। अरे जाने दो ना, बहुत प्यारा है। कितना सुंदर है, देखो इसके पैर में उसको चोट लगी, कितना दर्द होता होगा ना, इसलिए तो रो रही है। हाँ हम इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमारे पास एक कुत्ता है तो क्या? फिनिश। हाँ और भूल गए क्या, मास्टर जी ने क्या बोला था कि अगर हम बदमाशी करेंगे तो वो हमें मुर्गा बना के उल्टा दौड़ाएंगे। उससे अच्छा चलो चलो इसको इधर ही छोड़ के चलो। चल कुछ करते हैं, तू रो मत यार। मुन्नी तुझे पसंद है? तो रख लेते। ए तू क्या सोच रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी और मेरी शक्ल मिलती जुलती है? अब मजाक छोड़, ठीक है हम रख लेते मुन्नी सिर्फ तेरे लिए। हम गांव से और मास्टर जी से लेंगे पंगा। ओह वाव ये! अब इसका नाम क्या रखे? छोटू से छोटा तो कोई नाम ही नहीं होता। तूफान, सही कहा, स्वर्ग नगरी में इसे रखना और इसकी देखभाल करना किसी तूफान से कम है क्या? तूफान, इसका जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा। जयंतीलाल का बापू वैद है ना? ठीक है मैं बापू से बात कर लूंगा। तूफान को यहीं कहीं छुपा देते और तेरे बापू के पास चलते। चलो चलो चलो। लेकिन क्यों इस गांव में कुत्तों को लेकर रेड सिग्नल क्यों? आखिर पंचायत ने ये नियम यहाँ पे क्यों लागू किया? लगता है इसकी वजह जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये लीजिए, माइक ऊपर करो ऐसे। भगवान के नाम पे मेरी कर्म भूमि मुंबई है लेकिन मेरी जन्म भूमि स्वर्ग नगरी है।
भगवान के नाम पे मेरी कामयाबी का